तो इमरान खान जो पाकिस्तान के इतना दिन अब्बा बन के बैठे थे, उनके ऊपर बीच सड़क पे भरी महफिल में गोलीबारी हुआ है। 3 से 4 गोलियां लगी उनको। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर घर पे आप सांप पालोगे, वो अगर मोहब्बत से भी काटता है ना, जहर उतना ही फैलेगा जितना वो गुस्से से काटेगा। इसी वजह से इमरान भैया घर पे कुत्ते पालते हैं, सांप नहीं। सो लेट्स इन्वेस्टिगेट किस तरीके से पीएम इमरान खान को अपनी कुर्सी से हटा दिया गया और कौन है वो लोग जो उनके ऊपर जानलेवा हमला भी करते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस से ज्यादा आर्मी जनरल्स के चलते लास्ट कुछ सालों से इमरान खान और आर्मी चीफ के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं, जिसके कारण से 28 मार्च को इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत पार्लियामेंट के एक स्पेशल रूल के अंडर फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा। इसमें डिसाइड किया जाएगा कि इमरान खान आगे भी पीएम रह सकते हैं या नहीं। अब इसके लिए 3 अप्रैल का डेट फिक्स। लेकिन इमरान खान ने स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उस असेंबली को डिसॉल्व करवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट के ऊपर दबाव बना के ये डिक्लेयर करवा दिया नेक्स्ट 90 डेज के अंदर पाकिस्तान में फिर से पीएम पद के लिए चुनाव होगा और वहां पर ही डिसीजन होगा कि अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बोल दिया 3 महीने में इलेक्शन कंडक्ट करवाना उनके बस की तो बात नहीं है। मिनिमम 6 to 7 मंथ उनको टाइम चाहिए। इसी चीज को देखते हुए ऑपोजिशन पार्टी इमरान खान के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है इमरान खान के अगेंस्ट। इमरान खान जिस तरीके से फोर्सफुली असेंबली को डिसॉल्व करवाते हैं, फिर अपने से डिसीजन लेते हैं फिर से इलेक्शन करवाने का, ये पूरा ही रूल्स के खिलाफ था। जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेते हैं उनके अगेंस्ट वंस अगेन वोट करवाया जाए नो कॉन्फिडेंस रूल के तहत। डिसीजन आने के बाद फिर से डेट तय हुआ, असेंबली में वोट होने वाला था। लेकिन इमरान खान कहीं ना कहीं फिर से उसी कोशिश में लगे पड़े थे किस तरीके से इस डिसीजन को भी टाल दिया जाए। ऑलमोस्ट रात के 11 बज गए थे, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट करवाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरफियर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया रात के 12 बजे से सुप्रीम कोर्ट फिर से काम करना शुरू करेगा। अगर रात के 12 बजे से पहले इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता तो 12 बजे भी पिटीशन सबमिट कर सकता और वहां पर ही सुनवाई होगा। एट द सेम टाइम सिचुएशन ना खराब हो गया, अगर 12 बजे से पहले इलेक्शन नहीं कंडक्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो ना करने की वजह से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को जेल में जाना पड़ सकता। जिस वजह से 12 बजे से करीब 20 से 30 मिनट पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ने रेजिग्नेशन दे दिया अपने पद से। इसके बाद किसी तरीके से सिचुएशन को संभाला गया और असेंबली के जो बोर्ड हैं उनके सामने रात के ऑलमोस्ट 12 बजे इलेक्शन हुआ, जहां पर अपोजिशन पार्टी को 172 वोट चाहिए था, लेकिन 174 वोट से वो लोग जीत गए। इमरान खान के हाथ से पाकिस्तान का सत्ता छूट गया। आइए अब जानते हैं किस तरीके से इमरान खान के ऊपर एक मर्डर अटैक हुआ और ये क्या प्लान था या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट था, इसके ऊपर भी हम आपके राय जानना चाहेंगे। बेसिकली इमरान खान 28 अक्टूबर को एक रैली शुरू करते हैं जिसका नाम दिया गया था आजादी का रैली। अब इस रैली में इमरान खान का मेन डिमांड यही था पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन करवाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उस रैली में इमरान खान ISI और आर्मी जनरल्स के अगेंस्ट भी बहुत सारे लेक्चर्स दिए जो शायद उनको पसंद भी नहीं आए। अब ये रैली जब पाकिस्तान के पंजाब के एक शहर में पहुंचा तब इमरान खान अपने गाड़ी के ऊपर सवार था, हजारों के भीड़ वहां तादाद थे। उन्हीं भीड़ में से 2 लोग उनके ऊपर ब्रस्ट फायरिंग करते हैं। अब इस ब्रस्ट फायरिंग में करीब 8 से 9 लोग घायल होते हैं, एक का जान भी चला जाता है और इमरान खान के पैरों में 3 गोली लगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 कंफ्लिक्ट रेडी होते हैं, शायद ये ISI या पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक प्लान्ड अटैक था इमरान खान को मार डालने के लिए। सेकेंड कंफ्लिक्ट ये भी बताया जाता है, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान का पॉपुलरिटी बहुत स्पीड से कम होता देखा जा रहा था, यहाँ पर ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है मुद्दे को भटकाने के लिए और पॉपुलरिटी गेन करने। कहीं ना कहीं सोचने वाला बात ये भी है, वो एक 70 साल के बूढ़े इंसान है जिनके पैरों पे 3 गोलियां लगी। अब इस सिचुएशन में आप मुझे कॉमेंट में बताइए ये एक पब्लिसिटी स्टंट था या फिर सच में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ।